बात करेंगे गांडे की, जहां उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय पुतरिया नीचे टोला में बने हैंडवॉश अधूरा पड़ा हुआ है और इसके निर्माण के लिए 71,000 से ज्यादा रुपए निकाल लिए गए हैं। इसमें कभी पानी भी नहीं आया। वहीं ठेकेदार निर्माण कार्य पूरा दिखाकर सरकार से पैसे भी ले लिए, लेकिन हैंडवॉश प्लेटफॉर्म का उपयोग स्कूली बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। वहीं अधिकारी भी लापरवाह नजर आ रहे हैं, जो बिना जायजा लिए ही ठेकेदार को निर्माण की पूरी राशि आवंटन कर दी गई। छात्र छात्राओं ने बताया कि हैंडवॉश से एक भी दिन पानी नहीं चला है, क्योंकि नल में कनेक्शन नहीं की गई है। विद्यालय के सहायक अध्यापक सह सचिव लोचन प्रसाद वर्मा ने बताया कि विद्यालय में बने हैंडवॉश आज तक पूरा नहीं हुआ है, जिसकी शिकायत ठेकेदार से की गई। वहीं विद्यालय के दूसरी सहायक शिक्षक मदन कुमार सिन्हा ने बताया कि जांच की जाएगी। लोगों का कहना है कि शिक्षा का मंदिर भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होगा तो देश का भविष्य किस तरह उज्जवल होगा? क्या अफसरशाही से राज्य के सिस्टम में सुधार होगा? जहां हैंडवॉश का पूरा पैसा ठेकेदार को मिल गया और स्कूली बच्चे एक भी दिन इसका इस्तेमाल नहीं कर पाए। और पीछे जा, और पीछे जा थोड़ा सा। हाँ ठीक है। ऊपर टंकी लगा था क्या? भाई इससे कभी पानी पिया तुम लोग? बोला कभी चालू नहीं हुआ? कभी चालू हुआ है? नहीं चालू। या नीचे टोला हैंडवॉश का क्या स्थिति है? हैंडवॉश जब लगाया तो हम लोग से कभी ना मोहर लिया ना कुछ किया, वो खाली लगा के छोड़ दिया, ना कभी पानी इसमें मैंने पानी दिखाया कभी लगवा के, ना चालू करवाया, जैसे लगाया वैसे फिर छोड़ दिया। पानी कभी निकला था? नहीं पानी कभी नहीं निकला। कभी नहीं हाथ धोया? नहीं हाथ धोया, बजे धोया कभी नहीं। जब लगबेन किया क्या? तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे स्कूल के शिक्षक लोचन प्रसाद वर्मा से। लोचन जी नमस्कार। मैडम लोचन जी, क्या जिम्मेदार अधिकारी को मामले से अवगत कराया था आप लोगों ने? रनिंग वाटर जो है 2018-19 में ही मेरे विद्यालय में लगाया गया था, और लगाने के बाद जो लगाया था मिस्त्री कार्यकारी समिति लगाया था, वो ना चालू करके दिखाया ना मैंने वो चालू करवाया। ये कितने समय पहले की बात है लोचन जी? ये 2018-19 की बात है मेरे। अच्छा, और उसमें उसके बाद से नल लगा ही नहीं और आप लोगों ने इसकी शिकायत भी नहीं की? शिकायत मुखिया द्वारा किए थे, मुखिया को आवेदन भी दिए थे, तो बोले किए थे मेरे कार्यकाल में फंड आएगा, चाहे मेरा 5 साल होगा तब हम उसमें लगाएंगे, हम उसको मरम्मती करेंगे, लेकिन उसके बाद वो लगाया नहीं। तो जब आपकी बातें ठेकेदार ने नहीं सुनी तो क्या आपने अन्य अधिकारी को इसकी दोबारा शिकायत की थी? मिस्त्री को जो लगाया था उनको हम बार बार बोले, तब तक आ गया कोविड, कोविड आ गया तो कोविड में तो कोई सुनने वाला है नहीं, तो ऑफिस बंद हो गया, तो फिर कोविड में हमने जानकारी हमने दी, फोन पर ही बात किए थे, तब कोविड में फिर जो बाहर में लगाया गया था मेरा जिस जंगल साइड में जगह विद्यालय, तो वहां पर क्या है कि अज्ञात लोगों ने कुछ जो नल लगाया था वो क्षतिग्रस्त कर दिया कोविड में। लोचन जी, क्या इस तरह बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा? शिक्षा के मंदिर में ही लापरवाही नजर आ रही है। तो मैडम ये तो जो शिक्षा विभाग से नहीं लगाया गया था, ये तो दूसरे पंचायत समिति पंचायत प्रतिनिधि द्वारा लगाया गया था, इसमें तो हम लोग को क्या जिम्मेदारी मैडम बताइए। ये जो आपने बताया 2019 यानी कोविड के वक्त की बात है, और तस्वीरों के माध्यम से जैसा कि हम देख पा रहे हैं इसमें तो नल भी लग रहा है कि कभी नल लगाया ही नहीं गया है। नहीं नहीं मैडम लगाया गया था, ये बात नहीं है मेरे विद्यालय में तो ये बात नहीं, नहीं लगाया गया था, लगाया गया था लेकिन शायद एरिया में तो अज्ञात लोगों ने उसको क्षतिग्रस्त कर दिया मैडम, उसमें तो क्या कि उसमें बाउंड्री वॉल भी है नहीं विद्यालय में। तो अब आप लोगों ने क्या कुछ कोशिश करी है कि यहाँ पर बच्चे हैंडवॉश का इस्तेमाल कर सके? हैंडवॉश इस्तेमाल कर सके इसके लिए आवेदन मुखिया को और चार दीवारी के लिए बाउंड्री वॉल के लिए मुखिया को आवेदन भी दे चुके हैं मैडम, कि मेरा विद्यालय में चार दीवारी हो रही है, बाउंड्री वॉल रनिंग वाटर को चालू कराया जाए, ताकि बच्चों को जो इस बर्तन वगैरह कुछ पीने उने में रसोईया का भी विद्यालय में सभी तरह का सुविधा हो।
बच्चे जो हैं लोचन जी देश का भविष्य माने जाते हैं, और बच्चे इस तरह के विकास देखेंगे तो आगे जब मान लीजिए कि ये भी पढ़ लिख के कोई आगे अधिकारी बनते हैं, तो इनके दिमाग में जो अभी से बैठा हुआ है कि इस तरह का विकास होता है देश में, तो ये आगे क्या विकास करेंगे लोचन जी? तो मैंने हम लोग को जो जिम्मेदारी है मैडम तो हम लोग निभा रहे हैं, लेकिन जो ये दूसरों के लगा शिक्षा विभाग से हट के लगाया गया था मैडम, हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं मैडम बताइए, हम लोग जानकारी दे सकते हैं उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? आप बिल्कुल लोचन जी आप जानकारी दे सकते हैं ये सही है, लेकिन सिर्फ जानकारी देने से ही काम नहीं चलेगा। जानकारी देने से बच्चों का भविष्य जो है किस तरह अधर में लटका हुआ है ये हम तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं। तो अगर आपकी एक अधिकारी ने बात नहीं सुनी तो आप अपनी बातों को दूसरे अधिकारी के पास लेकर जा सकते थे। पिछले साल मेरे विद्यालय में सोशल ऑडिट आया था मैडम, तो सोशल ऑडिट में अभी आवेदन हम दे चुके हैं मैडम कि मेरे विद्यालय में ये सदा स्थिति है। क्या आपने वहाँ के मुखिया से बात करी? जी मुखिया से बात कर चुके हैं, मुखिया को आवेदन दे चुके हैं मैडम। चलिए ठीक है लोचन जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। इससे कभी पानी पिया तुम लोग? तो इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे हमारे रिपोर्टर राजू मंडल से। तो राजू, क्या अधिकारी मामले का संज्ञान लेंगे और बच्चों को सुविधा मुहैया करा पाएंगे? जी मैं बता दूं कि गांडे प्रखंड क्षेत्र में करीबन 300 विद्यालय है और 300 विद्यालय में लगे हैंडवाश, सभी विद्यालय का हैंडवाश इसी तरह से टूटा फूटा और अधूरा पड़ा है। और मतलब बताया जा रहा है सभी विद्यालयों का यही हाल है? बिल्कुल एकदम 100% जितना विद्यालय है सभी विद्यालयों में हैंडवाश की यही स्थिति है, टूटा फूटा है, कहीं जल नल नहीं सेट करके गया है, ना कहीं टंकी लगा है, सभी जल हैंडवाश इसी तरह से है। एक नहीं पूरा, हम लोग सर्वे भी कर रहे हैं, जगह जगह देख रहे हैं, हर जगह पर इसी तरह से है। एक भी राजू, क्या आपने कोशिश की वहाँ के मुखिया या अधिकारी से इस बारे में बात करने की? बिल्कुल, उनका क्या जवाब आया? इनका जवाब आया कि 15वें वित्त का पैसा था, 15वें वित्त का पैसा अगला मुखिया खर्चा कर चुका है और इस पर किसी तरह का संज्ञान कोई भी अधिकारी लेने से, मतलब किसी भी अधिकारी का कोई जवाबदेही नहीं है और कोई नहीं इस पर देख रेख करने वाला है। 15वें वित्त का पैसा हो, चाहे मनरेगा का पैसा हो या फिर हेडवास का पैसा हो, सभी पैसा पर लूट बची है गांडे प्रखंड में। और यहाँ पर 300 करीब विद्यालय है और 300 विद्यालय में हैंडवाश लगी है, सभी हैंडवाश बर्बाद है और किसी हैंडवाश में पानी नहीं निकल रहा है, वो अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। जी राजू, गांडे विधानसभा क्षेत्र जो ये अभी कल्पना सोरेन वहां से विधायक बनी है, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में इसका कुछ व्यवस्था हो सकता है आगे? देखिए अब मैडम आई है आगे, तो इसके पहले भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही विधायक थे, तब नहीं सुधार हुआ, अब तो मैडम आई है, देखिए सुधार हो जाता है तो हम लोग भी चाहेंगे कि उनसे बात रखेंगे, उनसे समझ में बात रखेंगे कि ऐसा ऐसा बात है आप देखें, लेकिन हमें नहीं लगता है कि सुधार होगा। बच्चे जो है वो देश का भविष्य होते हैं राजू जी, अगर इस तरह से 300 विद्यालयों की जहां तक अगर हम बात करें, अगर यही नजारा है तो फिर आगे देश का भविष्य क्या होगा सोचा जा सकता है? जी हमने पुत्रिया की बात की, पुत्रिया नीचे टोला जो विद्यालय है, उस विद्यालय में चार दीवारी नहीं है, सेफ्टी का कोई व्यवस्था नहीं है, बगल में जंगल है और इसलिए हम इसका वही विद्यालय को दिखाया गया कि इस विद्यालय में चारों तरफ चार दीवारी होनी चाहिए था और व्यवस्था होनी चाहिए था, इसीलिए हमने उसको दिखाने का कोशिश किया। जी राजू, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।